नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फरलो पर अब जेल से रिहा हो चुका है। वह हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। जेल से छोड़े जाने के साथ ही उसके अनुयायी उसे छिपा कर ले गए। भारी पुलिस सुरक्षा के साथ वो गुरुग्राम पहुंचा। दुष्कर्मी गुरमीत सिंह सोहना रोड पर अपने आलीशान आश्रम में रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से आश्रम के आसपास पुलिस की निगरानी अब बढ़ा दी गई है। बता दें कि राम रहीम की रिहाई पंजाब में चुनाव से ठीक 13 दिन पहले हुई है। पंजाब में 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है और ये डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में अपने वर्चस्व को रखते हैं। तो बता दें कि गुरुग्राम डेरे में जो गुरमीत है वो पहुंच चुका है। 21 दिन के फरलो मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम सीधा आप देख सकते हैं सबसे पहले गुरुग्राम के अपने डेरे में यहाँ पर पहुंच गया है। ये उसका काफिला है, गुरमीत राम रहीम का जो है काफिला जो है, अगर यहाँ बात की जाए तो आपको दिखाना चाहेंगे, ये उसका पूरा काफिला बाकायदा हरियाणा पुलिस की सुरक्षा के बीच गुरमीत राम रहीम को यहाँ जो गुरुग्राम का इसका डेरा है, गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 में आप ये देख सकते हैं, उसको यहाँ पर लाया गया है। 3:20 पर आज ये सुनारिया जेल से जो है गुरमीत रवाना हुआ था और उसके बाद ये आप सीधी तस्वीरें देखेंगे, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं गुरमीत को जो यहाँ लाया जा रहा है। बकायदा ये गाड़ियों के बीच में गुरमीत को यहाँ पर लाया जा रहा है, ये एस्कॉर्ट पूरी बकायदा साथ में है, पुलिस व्यवस्था साथ में, आप ये देख सकते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर गुरमीत जो है ये पूरी ब्लैक किया गया है, जो गाड़ी ये अंदर जा रही है आप ये गाड़ी देखेंगे, ये पंजाब नंबर की ये गाड़ी जिसमें गुरमीत अंदर गया है। इसके अलावा एक और ये आपको दिखाना चाहेंगे, एक और ये फॉर्च्यूनर, दो ऐसी फॉर्च्यूनर गाड़ियां जिसके अंदर गुरमीत को ले जाया गया है। पहली वाली गाड़ी के अंदर गुरमीत यहाँ पर था। गुरमीत राम रहीम जो है गुरुग्राम के डेरे में पहुंच चुका है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं गुरुग्राम का। हालांकि इसको डेरा कहा जा रहा है, कहने के एक पूरा आलीशान आवास ये है जहां पर बकायदा तमाम तैयारियां इसके लेकर के की गई। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके के सुरक्षा के प्रबंध, जगह जगह पुलिस की एस्कॉर्ट, यहाँ पर पुलिस के जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, पुलिस के जवान आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ बाहर तैनात किए गए हैं। पूरी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, हर एक गाड़ी पर बकायदा नजर रखी जा रही है। तो गुरमीत जो राम रहीम है वो यहाँ पर पहुंच गया है अपनी 21 दिन की फरलो पर, पहले दिन गुरुग्राम पहुंचा। हालांकि आगे किस तरीके से कार्यक्रम है उसकी तमाम मैनेजमेंट यहाँ है जो आगे का निर्णय लेगी कि किस तरीके से उसकी 21 दिन की ये फरलो रहेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आगामी 13 से 14 फरवरी को नू प्रवास पर आ रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे में विकास कार्यों की स्वयं समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं की स्थिति कैसी है, इसके साथ फ्लैगशिप कार्यक्रम मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत के साथ साथ बरसात से खराब हुई फसलों के बारे में भी वो विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसकी जानकारी उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में हरियाणा का एकमात्र नूह जिला शामिल है। आकांक्षी जिलों के इंडिकेटर्स पर विशेष समीक्षा बैठक की जाएगी। कैसे जिला आकांक्षी जिलों के इंडिकेटर पर बेहतर प्रदर्शन किया जा सके, सबको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला कैसे तरक्की करे, इन्हीं सब को लेकर यहां पर रिव्यू किया जाएगा और ये बैठक रखी गई है और चर्चा की जाएगी। तो शाम में पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने तो शाम की पंजाबी धर्मशाला में क्षेत्र के इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने साजिश के तहत मुझे जेल पहुंचाया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपनी कठोर मेहनत से पार्टी को जिंदा रखा, पार्टी संगठन को और भी मजबूत बनाया। विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी का संगठन पूरे देश में सबसे मजबूत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक लुटेरी सरकार है, देश का पूरा पैसा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चला जा चुका है। और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है, और ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं।
इस गलत सरकार ने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस लुटेरी सरकार ने लोगों के पैसों को लूटने के लिए इस प्रकार की कानून बढ़ाए जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का सारा पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, ये अंबानी अडानी जैसे लोग, उनके पास गया और उनसे ये सीधा पैसा लेके खा रहे। और उसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर 250 लाख से भी ज्यादा का कर्जा है। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो हमने 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया सरकार के खजाने में छोड़ा था। और इस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद ना तो कहीं कोई सड़कों की मरम्मत की है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में दवाई बेड और डॉक्टर नहीं है, विकास के नाम पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मशहूर हुई अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी सोमवार खुद के खिलाफ थाना शहर हासी में दर्ज अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी डीएसपी विनोद शंकर के समक्ष पेश हुई, जिसके बाद जांच अधिकारी डीएसपी विनोद शंकर ने उनको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया और लगभग 4 घंटे तक उनसे अपने कार्यालय में पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद आरोपी मुनमुन दत्ता को अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। इस दौरान डीएसपी कार्यालय के बाहर मुनमुन दत्ता की एक झलक पाने के लिए आतुर लोगों का जमावड़ा देखने को लगा। यहां बता दें कि मुनमुन दत्ता खुद भी अपने साथ हाईकोर्ट के वकील और हाईकोर्ट के आदेश पर 2 सुरक्षाकर्मियों और बाउंसर्स को अपने साथ डीएसपी कार्यालय लेकर पहुंची थी। मुनमुन दत्ता ने इस दौरान किसी भी मीडियाकर्मी से बात नहीं करी। मुनमुन दत्ता के खिलाफ SC/ST Act के तहत मुकदमा खांसी के दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने 13 मई 2021 को दर्ज कराया था। इसके बाद से मुनमुन दत्ता ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को खारिज कर दिया था। इंटरम बेल पे है और आज उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आई थी, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन इसको करवा दी गई है। इसके बाद क्या फौरी तौर पे पुलिस बेल पे छोड़ दिया गया क्या? हाँ, यही इसमें डायरेक्शन ऑफ इंटरम बेल में जो है उसको बेल बॉन्ड पे रिलीज करना होता है, वो कर दिया हमने इसको। स्टार्ट में से गिरफ्तार किया था क्या जी? आज फौरी तौर पे गिरफ्तार करके फिर पुलिस बेल पे? का क्या मतलब समझते हो आप ये क्वेश्चन करते हो? यही तो समस्या पैदा होती है सर। इस पे कब मामला दर्ज? भाई इंटरम बेल पे है, कोर्ट ने इंटरम बेल दे रखी उसको ऑलरेडी। अच्छा। हमने बता तो दिया कि बेल बॉन्ड पे रिलीज करना होता है, बेल बॉन्ड पे उसको रिलीज कर दिया। अब आप उसको गिरफ्तार किया था तो हमने क्या हथकड़ियां लगाई थी? कुछ ऐसा नहीं किया था भाई, इंटरम बेल पे है वो और उसको उस पर बेल बॉन्ड पे रिलीज करना था, उसको बेल बॉन्ड को हमने रिलीज कर। जिला सचिवालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। बेमौसम बरसात के चलते खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग और किसानों के साथ हुए समझौते को लागू किए जाने की मांग को लेकर 2 दिन तक किसान करनाल में विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे शहर के मुख्य मार्गों पर किसानों की तरफ से मशाल मार्च निकाला गया। हमारा धरना अमली से धरना लाया था मोर्चे के लिए, वहाँ से तो हमें टपाए दिए, ये भी हम लाएंगे डेरा पक्का। जब तक छठी सामने हम मोर्चा नहीं मिलेगा तब हम उठा नहीं। हम जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो मोर्चा जीता था, हमने 3 काले कानून जो वापस करवाए थे, लेकिन बहुत सारी मांगे जो सरकार ने हमारे को लिखती भी दी थी वो मानी नहीं गई हैं, उनके खिलाफ भी है। और साथ साथ जो फसल का मुआवजा है, जैसे कपास का और नरमे की फसल तबाह हो गई थी सरसा फतेहाबाद नरमे के एरिए में, उसके मुआवजे की मांग है, 40,000 की मांग कर रहे हैं एकड़ की। जो हमारे सरसा फतेहाबाद जो कपास का क्षेत्र है उसका मुआवजे की मांग है मेनली, और भी मांगे हैं ट्यूबवेल कनेक्शन की है, तो इन सारी मांगों को लेकर आज अपने साथी यहाँ पहुँच रहे हैं। कैथल में आज लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की महिलाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी भी की गई। सरकार के प्रति अपनी नाराजगी उन्होंने जताई। पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अपनी हड़ताल 15 फरवरी 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी बातचीत करके मांगों का हल करेगी। अब तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स 15 फरवरी 2022 तक हड़ताल पर रहेंगे। 14 फरवरी को राज्य के तमाम वर्कर्स और हेल्पर्स करनाल मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। मांगों के समाधान के बाद ही ये धरना खत्म हो पाएगा।
हमारी जो ये हड़ताल 8 दिसंबर से लगातार चली हुई है, इस हड़ताल को हमने 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है और आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है तालमेल कमेटी द्वारा। 14 तारीख को करनाल के अंदर पूरे हरियाणा का हम जो है राज्य स्तरीय आंदोलन करने जा रहे हैं और उस आंदोलन में आगाज होगा कि अगला हमारा क्या स्टेप होगा। हाँ जी बैठे हैं लेकिन सरकार की तो आंखें बंद हैं जी, सरकार सुन तो कोई नहीं रही है। कल खट्टर जी उस पर टीवी पे बोले थे, वो बोल रहे कि भी हम पक्की नहीं करेंगे। पक्की की तो कोई अभी बात भी नहीं हो रही, बात तो आपकी जुबान पे हो रही है। जो आपने बात की 1500 और 750 जो मोदी सरकार के पास से आए हुए हैं, ठीक है जी, और आपकी है अर्ध कुशल अर्ध कुशल, वो तो आप पे बात हो रही है जी। अब देखो जी, हमने 15 तारीख का ये प्रोग्राम रखा है कि 14 तारीख को हमने करनाल में धरना लगाना है और जब तक हम सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हमें यह धरना चालू रहेगा। 14 तारीख को हम बढ़ चढ़ के करनाल की रैली में हिस्सा लेंगे, मतलब जब तक खट्टर सरकार हमारे इस फैसले को लागू नहीं करेगी तब तक हमारा धरना चले रहेगा। हम एकजुटता से हम मतलब की लड़ाई को लड़ेंगे और जीत के उठेंगे। करीना में दादरी रोड पर गांव खेड़ी तलवाना के बस स्टैंड पर पानी की निकासी नहीं होने की वजह से रोड पर पानी भर गया और पानी से परेशान गुस्साए ग्रामीणों ने यहां जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने पानी में ही बैठकर धरना दिया। जाम की सूचना पाकर मौके पर एसडीएम ने पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। तो वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि ये क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, यहां पर 2 से 3 फीट तक मेन रोड पर पानी भर जाता है जिससे ग्रामीणों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जमा हुआ पानी की वजह से बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। ग्रामीणों का ये कहना है कि कई बार इस बारे में प्रशासन को अवगत भी किया गया है, कई बार एसडीएम साहब इस इंजन के जरिए खाली इसे करवा लेते हैं लेकिन कुछ ही समय के बाद एक बार फिर से यहां पर पानी भर जाता है और इससे बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। इसका आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है और इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट बंद होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं राजमार्ग पर कट बंद होने से लोगों को गलत साइड चलना पड़ रहा है, इसी की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। रॉन्ग साइड आने वाले लोगों का यह कहना है कि कट बंद होने से काफी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अगर किसी को भी फरीदाबाद एनआईटी की तरफ जाना है तो उसे या तो करीब 2 किलोमीटर दूर से यू टर्न करना पड़ेगा या फिर उसे रॉन्ग साइड से ले जाना पड़ेगा। तो वहीं लोगों ने अब ये बात कही है कि रॉन्ग साइड जाने पर पुलिस चालान भी काट देती है, वैसे में जनता करे तो क्या करे। तो बता दें कि यहां पर यू टर्न लेकर लोगों को जाना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर जो रास्ता है वो कट गया है, इसकी वजह से जो आवाजाही है वो रुक रही है और इसकी वजह से लोगों को रास्ता बदलना पड़ता है और रास्ता बदलने के लिए उन्हें रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मुसीबत की बात यह है कि रॉन्ग साइड अगर लोग आते हैं तो उनका चालान काट दिया जाता है। तो ऐसे में लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। टोहाना में सीआईए पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने लाखों रुपए की कीमत की 410 ग्राम हेरोइन और एक कार बरामद की है। वहीं महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार से पुलिस ने 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। बरामद की गई हेरोइन लगभग 40 लाख रुपए की बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर टोहाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, माननीय अदालत में पेश किया गया है जहां असली सप्लायर और इस नेटवर्क में जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है। महिला आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और इस बारे में जानकारी देते हुए टोहाना डीएसपी बिरम सिंह ने बताया है कि सीआईए टोहाना पुलिस की टीम एएसआई सुरेश कुमार के नेतृत्व में गश्त के दौरान टोहाना नरवाना रोड पर सूर्य कॉलेज बलियाला के समीप नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने गांव कालवन की तरफ से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया तो कार चालक ने कार को टोहाना की तरफ भगाने की कोशिश की। पुलिस ने शक के आधार पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए कार सवार महिला और 3 व्यक्तियों को काबू कर उनसे पूछताछ की। कार की तलाशी उपरांत कर 410 ग्राम
हेरोइन और 500-500 रुपए की करेंसी में कुल 1,00,000 रुपए बरामद किए हुई है नशे के खिलाफ। और नशे पे जो है वो लगातार हमारी टीमें जो है वो प्रहार कर रही हैं ताकि हमारा आमजन जो है वो ठीक रहे, सुरक्षित रहे। इसी कड़ी में हमारी CIA टोहाना की टीम कल शाम को सुरेश ASI के नेतृत्व में इधर बड़ियाला जो है वो दरवाणा रोड पर जो है सूर्य कॉलेज है वहाँ मौजूद थी कि इसी समय जो है एक स्विफ्ट डिजायर कार जो है वो नरवाना की तरफ से आई जिसको संदेह के आधार पर जो है रोक कर चेक किया गया और उसकी नियम अनुसार जो तलाशी ली गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर पिपली रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात महिला का एक शव मिला। शव नग्न अवस्था में झाड़ियों में मिला। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। TSP ने बताया कि लगभग 55 से 60 वर्षीय महिला का शव नाले से बरामद हुआ। शव की हालत देखने से लगता है कि शव एक दिन पुराना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह भेज दिया गया है। एक अननोन डेड बॉडी मिली है, अभी सीन ऑफ स्पेशल टीम बुलाई है, उन्होंने अपनी जाँच की है। अभी कोई पता है नहीं कौन है कौन नहीं है। अभी डेड बॉडी को यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखने से तो हर डेड बॉडी की संदिग्ध ही लगती है, खास करके जब महिला हो तो। और कुछ उम्र होगी इसकी? उम्र करीब 60 के करीब है, 55-60 के करीब, 60 के करीब है। दांत भी गिरे हुए हैं। करनाल की निसिंग से लापता 25 वर्षीय युवक का शव पानीपत में नहर से बरामद हुआ है। परिजनों का यह कहना है कि युवक की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, ना ही उसे तैरना आता था। युवक घर से बाहर घूमने की बात कहकर निकला था, उसके बाद से ही वो लापता हो गया था। जांच अधिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। कल यहाँ संभाल के थाने से फोन गया, उसकी जेब में फोन था, उसकी सिम निकाल के फोन की तो उसने पुलिस वाले ने कॉल की भी इस करके नहर में अपनी डेड बॉडी है, जो भी आप पहचान कर लो भी आपका है या नहीं है। तो वहाँ पर आके देखा, पहचान करी तो वो मारा इन बंदा निकला जी। आज हम अपनी डेड बॉडी मोर्चरी हाउस में लेने आए हो। सूचना मिली थी भाई पश्चिम यमुना नहर डिंडार पुल के पास एक डेड बॉडी है, तो वहाँ जाके देखा तो उस टाइम ये अननोन था। इसके जेब में मोबाइल था जो उसका सिम से नंबर देख के और इसकी पहचान की गई इसके परिवार को। चरखी दादरी जिले के गांव जेवली में शराब के ठेके पर हत्या का मामला सामने आया है। ठेके पर राकेश नाम के युवक की राजस्थान के सूरजगढ़ थाना के अंतर्गत आने वाले शराब के ठेके पर हत्या की गई। मृतक के पिता ने बताया कि मेरा लड़का शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम किया करता था, जहां पर उनके लड़के के साथ मारपीट की गई, हत्या की गई। जांच अधिकारी ने बताया कि युवक ठेके पर काम किया करता था। परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है, कार्रवाई अमल में लाई गई है। परिजनों के बयान के मुताबिक 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।